सुल्तानपुर में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को बंटने आई राशन किट में भारी अनियमितता देखने को मिली। इस राशन किट में भेजे जाने वाले आलू सड़े हुए थे, जबकि दाल और नमक में भी भारी कमियां पाई गई। नगर पालिका सभासदों ने जब मामला उठाया तो हड़कंप मच गया। आनन फानन पहुंचे SDM सदर ने मामले की जांच रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेजने की बात कही है। दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली क्षेत्र के नगर पालिका परिषद का, जहां से नगर क्षेत्र में रहने वाले गरीबों और जरूरतमंदों के लिए धीरे धीरे कम्युनिटी किचन बंद कर शासन स्तर राशन किट वितरण करने का निर्देश दिया गया था। यही नगर पालिका से पात्रों के लिए चिन्हित करके राशन किट भेजा जा रहा था। इसी दरमियान जब वहां कुछ सभासद और भाजपा नेता पहुंचे तो राशन किट में सड़े आलू और अन्य सामानों में कमी देख हैरान रह गए और उन्होंने आला अधिकारियों को सूचना दी। इसमें हम इधर से निकल रहे थे, नगर पालिका के सभी सभासदों ने बुला करके इस बात को रखा, तो हम भी यहाँ मौके पर आए थे। हमने देखा आलू कुछ सड़ा हुआ है और जो उसमें पैकेट में जो सामान कुछ रखे हुए थे वो कुछ क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं थे। उस पर जो है हमने SDM साहब से बात किया, तो SDM साहब से आप लोगों ने भी जो है जिलाधिकारी के माध्यम से जिसको पत्र सौंपा था कि जो सामान आए हुए हैं, जो आपूर्ति हुई है पैकेट का, वो अच्छे नहीं है। उसमें जो है हमने SDM साहब से बात किया, तो SDM साहब कहे हम वहाँ से भी किट लेके आ रहे हैं। वो भी अपने साथ कुछ किट लेके आए थे, तो वो जो किट जो थे वो आज के थे, आज सप्लाई हुए थे जो है, तो उसमें आलू ठीक पाया गया। जो पहले आलू आए थे 10 दिन पहले जो आलू आया था वो उसमें आलू सड़ गए हैं। सड़े आलू और अन्य सामानों में क्वालिटी खराब होने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि SDM सदर की माने तो ये राशन किट करीब हफ्ते भर पूर्व आया हुआ था। आलू का जो किट आई थी ना, किट करीब 10-12 दिन पहले आई है, तो पन्नी में आलू है, पन्नी का जो आलू है तो उसमें कुछ खराब हो गया, सड़ गया आलू। और जो आज किट आई है वो भी हमने आलू मंगा के देखा, वो आज वाली किट में आलू ठीक है। सर राशन का पैकेट हम लोगों ने खुलवा के देखा तो जो नमक है वो टाटा साल्ट ना होकर टाटा साल्ट नमक है इस तरह से, और बाकी धनिया और ये जो है ये नम वो है ही है। दाल भी ऐसा लग रहा है कुछ छोटी दाल है। सर ये कमियाँ कहाँ से है? इस कमियाँ की रिपोर्ट भेजी जा रही है। असल में ऐसा है ना, ये जो है बहुत बेस्ट क्वालिटी का आइटम नहीं है। बेस्ट क्वालिटी का आइटम जो है वो तो और भी महंगा हो जाएगा। 635 रुपये में शायद इसका वो हुआ है, क्या नाम है, टेंडर हुआ है। अब जैसे टाटा नमक नहीं है, ब्रांडेड नमक नहीं है, ये बात सही है। दस्तक टीवी के लिए सुल्तानपुर से सुरेश कुमार की यह रिपोर्ट।